मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गांव बाबुलदा में तीर्थ वार्षिक उत्सव रामदेवरा के उपलक्ष्य में ज्ञान महोत्सव जगत गुरु श्री 1008 स्वामी जी रामदयाल जी के महाराज के संध्या में आयोजित हुआ। स्वामी जी ने दो दिन के प्रवचन के व समापन के बाद प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया, जिसमें उन्होंने राम मंदिर व हिंदू धर्म सहित आज के बच्चों को इंटरनेट युग का सदुपयोग कर सही मार्ग पर चलने को कहा। साथ ही धूम्रपान जैसे गंभीर विषय को स्वामी जी ने अभिशराप बताया। दो दिवसीय इस कार्यक्रम के समापन पर नगर में झांकियां भी निकाली गई। संयुक्त न्यायालय अभी जो संयुक्त न्यायालय ने जो राम मंदिर को लेके अब जो फैसला सुनाया है, उसमें राम स्नेही और समाज क्या पूर्ण रूप से फील करता है जी? सर्वप्रथम इस संबंध में कहना चाहेंगे, विश्व के मानस पटल पर भारत राष्ट्र सनातन काल से धर्म संस्कृति चरित्र न्याय के प्रति निष्ठा रखता आया है और प्रसिद्ध भी है। इस संबंध में संविधान का सम्मान सनातन काल से संतों ने किया है। भारत राष्ट्र संविधान का पुजारी रहा है। एक ऐतिहासिक फैसला राम मंदिर के संबंध में जनता के बीच जो आया, वह सत्य और उदारता से ओतप्रोत रहा है। यह फैसले ने सिद्ध किया है कि भारत राष्ट्र राम पर विश्वास करता है। राम एक सत्य है, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित कभी नहीं। यह ऐतिहासिक फैसला भारत राष्ट्र की विजय है, मानवता की विजय है, सत्य का फैसला है, देश हित में है, राष्ट्र हित में है और सभी संत पूरा देश इसे संतुष्ट है। हम अंतर्राष्ट्रीय रामष्टी संप्रदाय से इस दिव्य फैसले की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं।